फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब तक मुलाकात नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी मौत हो जाए, चाहे हमारी यहाँ से राजस्थान लाशें जाएंगी। विरोध की इन तस्वीरों पर चर्चा से पहले आपको राजस्थान का पारा बता देते हैं। राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहां पारा माइनस से नीचे पहुंच चुका है। जयपुर में पारा दिन में 19 तो वहीं रात को 6-7-8 डिग्री तक गिर जाता है। ये तस्वीरें युवाओं की हैं, उन युवाओं की जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, उन युवाओं की हैं जिन्हें सत्ता परिवर्तन का सूत्रधार माना जाता है, उन युवाओं की हैं जिनसे वादा कर 3 साल पहले कांग्रेस सत्ता में आई थी। पहले कांग्रेस के 2018 के मैनिफेस्टो में युवाओं से किए गए दर्जनों वायदों में से महज इन 3 पर ही एक नजर दौड़ा लीजिए। वादा नंबर 1, सरकार में संविदा कर्मियों, NRHM एवं NUHM कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की समस्याओं का यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। वादा नंबर 2, रीट की समीक्षा करते हुए अन्य पात्रता, योग्यता और प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी सभी तरह की विसंगतियों को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। वादा नंबर 3, युवाओं की रीट 2018 की विज्ञप्ति सहित अन्य सभी सरकारी अर्ध सरकारी नौकरियों से संबंधित जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं, उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सकारात्मक प्रभावी कदम उठाना। ये वायदे हैं जिनके भरोसे ही 27 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने 2018 में सत्ता का सुख चखा। 2018 से 2021 सरकार को 3 साल हो गए हैं, लेकिन युवा बेरोजगारों की स्थिति क्या है, ये आप राजस्थान तक की रिपोर्ट मुहिम रोजगार में हमारे एडिटर शरद कुमार के साथ देख रहे हैं। राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है और देखा जा सकता है किस तरह से जो यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं जो लगातार कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इन सब की यही मांग है कि रीट में जो पद है वो 50,000 किए जाए। 50,000 पद की मांग इनकी वाजिब है क्योंकि रीट 2018 में जो परीक्षा हुई थी वहीं पर वो पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। उसके बाद जब से ये सरकार आई है 3 सालों में 30,000 पद निकाली है, यानी 10,000 पद 1 साल के हिसाब से हुए, जबकि अगर आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के खाली पद को देखें तो करीब करीब 1,00,000 पद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं। अगर 1,00,000 पद सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं तो फिर ये बेरोजगार क्यों बैठे हुए हैं? पिछले 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, काली दिवाली से लेकर हाड़ कपाती ठंड तक इन युवा बेरोजगारों ने सब देख लिया है और लगता है आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बीते कई महीनों से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में बेरोजगारों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। वजह भी है क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस अपने 30 साल पुराने अस्तित्व की तलाश कर रही है। अब राजस्थान की परिपाटी ही है कि पिछले 30 सालों से 5 साल बीजेपी रही तो 5 साल कांग्रेस, लिहाजा ये मान लिया जाए कि कांग्रेस राजस्थान में हार तय मान चुकी है, इसलिए युवा बेरोजगारों की दुर्गति हो रही है। हद तो गुरुवार को तब हो गई जब हक की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं पर गहलोत सरकार ने लाठीचार्ज से भी गुरेज नहीं किया। युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ तो राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी युवाओं के बीच पहुंचना ही बेहतर समझा और उन्होंने इशारा भी कर दिया कि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, लिहाजा अब तक आंदोलन से दूरी बनाए रखी। और मैं जो मेरे को जैसे ही पता लगा कि पुलिस ने पैरा टीचर्स पर लाठीचार्ज कर दिया तो मैं आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं इसलिए नहीं आना चाहता था कि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं। सांसद मीणा ने समर्थन जताया। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी युवाओं की मांगों को लेकर कई बार सरकार को खत लिख चुके हैं। माना जाता है इन्हीं मुखर बोल के चलते ही सत्ता की दूसरी सालगिरह से पहले ही पायलट के पद पर पूर्ण विराम लग गया। अब सरकार तीसरी सालगिरह का जश्न मना रही है।
तो माना जाए सत्ता में है, लिहाजा हीटर वाले कमरे, मुलायम गद्दे और मखमली रजाई वाले नेताओं को 4.5 साल बाद ही अपने 5 साल के सुख को बचाए रखने के लिए जनता की जरूरत पड़ती ही है, उस जनता की जिसमें बेरोजगार युवा हो चाहे किसान हो, हर सरकार में सड़क पर ही होता है, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसात हो।